गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि अपन को अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया है तो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलो देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन को ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और इस ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे किया जाता है, तो इसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। चलो देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप बोलता है कि असाइनिंग द नेम्स ऑफ द सिग्नल्स आफ्टर ईच ब्लॉक, ईच ब्रांचिंग पॉइंट एंड समिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी यहाँ आपको आपको लग रहा है कि यहाँ पे आउटपुट चेंज हो रहा है, वहाँ पे अपन को आउटपुट सिग्नल्स के नाम लगाने हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये वापस सेम सर्किट या सेम ब्लॉक डायग्राम निकाला है, और आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने V1 डाला है, क्योंकि ये समिंग पॉइंट के बाद यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इन दोनों का जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ की जो आउटपुट आएगी वो हमेशा अलग आएगी, मतलब देर इज अ चेंज। तो ऐसे जैसे भी केसेस है जहाँ पे आपको लगता है कि जो आउटपुट है ब्लॉक का हो, ये समिंग पॉइंट का हो, या ब्लॉक का हो, या ये ब्रांचिंग पॉइंट का हो, या कुछ भी हो, जिधर आपको लग रहा है कि आउटपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रहा है, वहाँ पे अपन को नाम देना है, अलग सिग्नल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, वी यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं V1 नाम दे रहा हूँ क्योंकि इधर चेंज हो रहा है, तो V1। तो इसके बाद अपन के यहाँ पे एक आ रहा है G1 गेन ब्लॉक है, तो इसके आउटपुट में कैसे आएगा, जो भी इनपुट है मल्टीप्लाइड बाई ये आएगा, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे V2 आएगा। तो यही चीज़ मैंने की है कि V2 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो V2 अगर इधर है, बाद में एक और एक समिंग पॉइंट आता है, तो जब भी समिंग पॉइंट आता है, इधर से एक आ रहा है, इधर से एक सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज होगा आउटपुट, राइट। इन दोनों का प्लस माइनस जो भी करके इधर आएगा, तो टाइम बिंग इधर भी अपन को एक सिग्नल का अज्यूम कर रहा है, तो उसको मैंने V3 लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर एक के बाद एक अगर देखते जाओगे, यहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट है, ठीक है। ब्रांचिंग पॉइंट के यहाँ पे और कुछ लूप या कोई भी ऐसा फीडबैक या गेन कुछ है नहीं, तो ये V3 यहाँ पे सेम रहेगा। उसके बाद आ रहा है गेन ब्लॉक G2, ठीक है। G2 गेन ब्लॉक आ रहा है, मतलब यहाँ का वो जो आउटपुट रहेगा वो G2 इनटू इधर तक का इनपुट रहेगा, मतलब बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आउटपुट इधर का चेंज हो रहा है, तो मैं इधर दे रहा हूँ नाम V4, ठीक है। तो V4 के बाद और एक समिंग पॉइंट आ रहा है, राइट। अभी भी हमने देखा कि समिंग पॉइंट इधर दो थे वैल्यूज, इसके आउटपुट समिंग पॉइंट के पास जो आउटपुट आता है वो चेंज होता है, मतलब आउटपुट क्या रहता है, जो भी इनपुट है उसके हिसाब से आउटपुट होता है, मतलब चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने इधर लिख दिया V5, ठीक है। तो उसके बाद ये गेन है, ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए अपन को V6 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी CS है, तो CS मतलब अपन V6 लिखने की जरूरत नहीं, CS की वैल्यू क्या करे रहेगी, G3 इंटू जो भी इधर इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक V5 आया, तो इधर चलते हैं, इधर देखते हैं। तो यहाँ पे एक फीडबैक लूप आप देख रहे हो, ठीक है। तो फीडबैक लूप में एक गेन ब्लॉक आ रहा है, राइट। तो गेन के बाद हमेशा आपको पता है, इधर भी हमने देखा कि वैल्यू चेंज होती है, इधर इसका इधर इधर तक अलग है, इसके बाद मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया V6। सेम इधर और एक फीडबैक लूप है, राइट। फीडबैक लूप में ये गेन के बाद इधर की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने V7 लिख दिया। और सेम चीज़ यहीं पे भी H3 के बाद आ रहा है V8, इसलिए मैंने V8 नाम लिख दिया। तो बेसिकली जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि समिंग पॉइंट के बाद आउटपुट चेंज होता है, तो ये तो पता ही है, गेन के बाद उसका आउटपुट चेंज होता ही है, तो वहाँ पे आपको सिग्नल्स के नाम लिखने हैं। तो आपको जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो, जैसे कि मैंने V सिलेक्ट कर दिया है, आप X कर सकते हो, Y कर सकते हो, जो भी करना है। तो V1, V2, V3 जो भी है, जितने भी है सब लिख देने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि इसके हिसाब से अपने डिसाइड होते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8 ऐसे सिग्नल्स हैं जिसको मैंने V1 से V8 ऐसे नाम दिया है इस ब्लॉक डायग्राम में। तो अगर ये स्टेप 1 अगर समझ गए हो, तो चलते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में क्या बोल रहा हूँ मैं कि मेकिंग दीज V1 to V8 सिग्नल्स एज नोड्स ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। मतलब स्टेप 2 में अपन
क्या करते हैं, इनिशियल लेवल का सिग्नल फ्लो ग्राफ निकालना चालू करते हैं। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग ये मैंने जो पेंसिल से स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स निकाले हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी है ऐसे V1 to V8, मतलब ऐसे टोटल 8 नोड्स निकालने हैं अपन को। कैसे निकालने हैं, जैसे कि RS के लिए हमेशा याद रखने का है कि इनपुट RS और आउटपुट CS का एक नोड रहता ही है, मतलब एक एक नोड। तो यहाँ पे एक एक नोड आएगा, RS का एक नोड आ गया, आउटपुट C ऑफ S का एक नोड आ गया। तो उसके बाद जब भी समिंग पॉइंट रहता है, यहाँ पे कुछ गेन है क्या, RS से प्लस जा रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसलिए मैंने 1 निकाल दिया। और यहाँ पे V1, सो ये 1 निकालने से पहले पहले अपन ये देखते हैं कि नोड्स, बस नोड्स निकालते हैं, ब्रांचेस अपन बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था कि 2 नोड्स थे ये और ये, उसके बाद जितने भी वीज है टोटल 8 है राइट, तो उतने नोड ड्रॉ करने हैं। तो जैसे कि जिधर भी दिख रहे हैं आपको V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और V8, इतने नोड्स निकाल दो, मतलब ये ब्रांचेस रहने दो फॉर टाइमिंग, बस नोड निकाल दो। V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और V8। ठीक है, तो ये नोड हो जाने के बाद अपन को ब्रांचेस निकालने हैं। तो ब्रांचेस निकालने के लिए चलते हैं आर ऑफ एस से समिंग पॉइंट तक जो जा रहा है, या V1 तक जो जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। आप देख रहे हो 1 है V1 तक। ठीक है, तो V1 to V2 इन दोनों के बीच में क्या है, G1, G1 गेन है, तो मैंने एरो से मार्क कर दिया और G1 है। ठीक है, V2 से V3 में क्या है बताइए, V2 से V3 में बस समिंग पॉइंट है बेसिकली, और कुछ भी ऐसा ब्लॉक या कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है, तो इसलिए V2 से V3 में मैंने 1 गेन लिख दिया है। V3 से V4 में क्या है, V3 से V4 में अपन के पास 2 चीजें हैं, एक तो ब्रांचिंग पॉइंट है, दूसरा गेन G2 है। बट ब्रांचिंग पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी, V3 ही रहेगा, क्योंकि ये जो सिग्नल आ रहा है वही इधर जा रहा है, तो वो एक चीज हो गया। तो V3 प्लस 1 है, कुछ है नहीं, तो वो जा रहा है V5 को। अगर देखोगे आप V5 मतलब समिंग पॉइंट है, उसका हमने नोड निकाला है, तो V3 से V5 तक अपना ये ब्रांच जा रहा है यहाँ पे, और एक जा रहा है V3 से V4 के बीच में G2 है, तो वही निकालना है एरो के साथ। V3 से V4 में G2 है, तो मैंने निकाल दिया। V4 से V5 में कुछ है क्या, बस क्या है कि एक समिंग ब्लॉक है राइट, और उसका गेन कुछ है नहीं, मतलब 1 पकड़ना है, तो 1 लिख दिया मैंने। V4 से V5 में 1 है। ठीक है, और V5 to C ऑफ S, V5 से C मतलब आउटपुट तक क्या है, और एक ग्रीन ब्लॉक है G3, तो मैंने एरो से वो G3 निकाल दिया। तो यहाँ तक अगर समझ ले, आप समझ गए हो, तो देखते हैं कि फीडबैक्स में कैसे करना है। तो जैसे अपन सी ऑफ एस से चालू करते हैं, जैसे कि इधर आप देख रहे हो यहाँ से फीडबैक जा रहा है इधर राइट, तो सी ऑफ एस से V8 तक H3 है, तो वो निकालना है। C ऑफ S V8 तक H3 है, वो H3 V8 निकालना है। उसके बाद V8 से V5 के बीच में क्या है, अपना समिंग ब्लॉक है, वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 डाल दिया, क्योंकि माइनस है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब 1 हो गया। सेम चीज बाकी 2 लूप्स के लिए करनी है, जैसे कि V4 से जाना है V3 तक। ठीक है, तो ये V4 इधर है, V3 है, V4 से V3 तक जाना है, बट कैसे जाना है, अपन के पास गेंस है, एक क्या है H2 है, सो V4 से V7 वाला नोड है, उधर तक H2 गेन जाएगा, सो V4 से V7 तक H2 गेन जाएगा, और V7 से V3 में समिंग ब्लॉक है और माइनस साइन है, तो -1 रहेगा, तो वही V7 to V3 में -1 है, तो -1 निकाल दिया मैंने। तो फाइनल जो लूप है फीडबैक लूप, वो देखते हैं जो V4 से V1 तक है। तो वो V4 से V1 से पहले V4 से V6 में क्या है, देखो V4 से V6 में है H1, V4 से V6 में सबसे पहले है H1, उसके बाद V6 से V1 ये समिंग पॉइंट को जा रहा है, जिसका नोड हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, मतलब ड्रॉ किया है, और माइनस साइन है, तो वो -1 आ जाएगा, तो ये इधर -1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये स्टेप में, ये स्टेप की शुरुआत कैसे करनी है, बेसिकली जितने भी सिग्नल्स है उतने नोड्स आएंगे, वो निकाल लो, ड्रॉ करो, वो मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट का तो अलग तो रहता ही है, तो वो भी रहेगा नोड, और वो छोड़ के 8 महीने नोड्स निकाल दे। वो नोड निकालने के बाद ब्रांचेस निकालने, तो ब्रांचेस निकालने के लिए अपन को पहले ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाना है,
और जो भी गेन ब्लॉक्स है वो सिग्नल्स के बीच में वो डालने हैं, और जहाँ पे भी समिंग ब्लॉक है उधर कितनी वैल्यू है देख के प्लस वन माइनस वन, फीडबैक जहाँ पे प्लस वन है प्लस वन, माइनस वन है तो माइनस वन, वो सब लगा के ऐसे अपना इनिशियल लेवल सिग्नल फ्लो ग्राफ हो जाएगा वो, जो ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद चलते हैं स्टेप थ्री में। स्टेप थ्री में क्या करना है, ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है कि वो अपन को देखना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो देखो कि मैंने पहले ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल डॉटेड रेक्टेंगल दिखाया है, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो V1 से V2 और V2 से V3 में V1 V2 क्या आएगा, G1 इंटू V1 आएगा बराबर, और V2 और V3 क्या हो गया, सेम हो गया क्योंकि इधर वन ही है गेन, तो V3 इक्वल टू V2, तो मैं V2 निकाल रहा हूँ ठीक है। तो V1 और V3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो V1 और V3 और इन दोनों के बीच में रहेगा गेन G1 क्योंकि V3 और V2 सेम है, तो V2 निकल जा रहा है, तो वही चीज़ मैंने इधर की है। दूसरी चीज़ क्या है, देखो ये जो फीडबैक लूप है, तो फीडबैक लूप में आप देख रहे हो H1 V7 की वैल्यू क्या है, V4 इंटू H2 राइट, और V3 की वैल्यू क्या है, -V7। तो बेसिकली सेम ही वैल्यू है V7 और V3 की, बस चेंज ये है कि माइनस साइन आ रहा है। तो वही चीज़ मैंने किया है कि ये V7 में ड्रॉप कर रहा हूँ, डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर रहा हूँ V4 को, V4 को V3 को कनेक्ट कर रहा हूँ, बस माइनस साइन इधर लगा रहा हूँ H2 को। तो यही चीज़ मैंने की है, V4 को V3 लगा दिया -H2। सेम चीज़ इधर भी आ रही है, आप देख रहे हो कि V4 टू V1 में एक नोड है V6, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, बस -1 का डिफरेंस है। मतलब V6 क्या होगा, H1 इंटू V4, V1 क्या होगा, -V6, V6 क्या था, V4 इंटू H1। तो बेसिकली V1 निकालने के लिए बस इसको माइनस मल्टीप्लाई करो इससे, क्योंकि ये कैस्केड में बोल सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये -H1 आ जाएगा। तो बेसिकली -H1 किन दोनों के बीच में लगाना है, V4 टू V1 में -H1 लगाना है, तो V4 टू V1 में -H1 लगा दिया। सेम चीज़ अपन को और एक लूप के लिए करना है, फीडबैक लूप में सेम चीज़, H3 इंटू -1 है, इसको -H3 करके C और V5 के बीच में लगा दो। तो C और V5 के बीच में मैंने -H3 लगाया, ये जो -H इंटू -1 है -H3 यहाँ पे लगाया। तो ऐसे अपना इतना बड़ा वाला, मतलब थोड़ा सा जो बड़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ उसको रिड्यूस करके हमने ये फाइनल जो सिग्नल फ्लो, सिंप्लीफाइड सिग्नल फ्लो ग्राफ रहेगा वो ऐसा बनेगा। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों चलो यही था इस लेक्चर में, यही इस लेक्चर का एम था, तो मैं यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आपको अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।